अमृत महोत्सव को लेकर लखनऊ के ग्रामीण सर्कल के एसपी हरदेश कुमार द्वारा जनता जनार्दन को किया गया संबोधन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण सर्किल बीकेटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण सर्किल बीकेटी थाना पर एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार द्वारा क्षेत्र की जनता को संबोधन के दौरान एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार ने बताया है, अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिवस को लेकर मनाया जा रहा है, जहां पर देश की प्रधानमंत्री आपको बता दें जहां पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तिरंगा लगाने की बात कही है। आइए सुनते हैं लखनऊ ग्रामीण एसपी हरदेश कुमार की जुबानी, लखनऊ से प्रशांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। कप्तान साहब, रक्षाबंधन के इस त्योहार में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार रक्षा का संकल्प लेने का है और रक्षा करने का है। पुलिस विभाग विशेष रूप से इस रक्षा की जो परंपरा है, रक्षा का जो भाव है, उससे जुड़ा हुआ है। हम लोगों का काम सभी को सुरक्षा उपलब्ध कराना है और विशेष रूप से रक्षाबंधन पर हम लोग विशेष रूप से अपने पूरे प्रदेश में हमारे विभाग के प्रमुख की ओर से और स्थानीय स्तर पर हमारे द्वारा भी सभी अपने साथियों को सजग, सचेत और सक्रिय किया गया है कि क्षेत्र में जो आवागमन होता है त्यौहार के अवसर पर, उसमें सुचारू रहे, कहीं यातायात में व्यवस्था न हो, जाम न हो, तथा लोग जो त्यौहार मनाने के लिए निकले हैं घरों से, वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे। और अभी 15 अगस्त को पूरा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्र दिवस की, इसमें क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों? आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे राष्ट्र स्तर पर यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है और विशेष रूप से ये सप्ताह जो 11 तारीख से शुरू हुआ है, 11 से लेकर 17 तक पुलिस विभाग में पहले से इसमें प्रत्येक दिन के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी यहाँ जनपद में जनपद स्तर पर पुलिस द्वारा जो उपलब्धियाँ हासिल की गई है वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में और पूरे प्रदेश में पुलिस ने जो उपलब्धियाँ वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में प्राप्त की है, उन उपलब्धियों को जनता को शेयर किया गया, उनको बताया गया और उन लोगों से और भी फीडबैक दिया गया जिस तरह से जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा हम बेहतर तरीके से कर सकें। ये प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो ग्रामीण थाने में 5 थाने हैं, ग्रामीण सर्किल में 5 थाने हैं, तो किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान को मददगार करने में, सही करने में पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई? ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल को पूरे भारत भर में चल रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनके द्वारा प्रोत्साहित और उनके द्वारा जो हम लोग को सूक्ष्म और गहन विस्तृत निर्देश दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में न केवल शासकीय कार्यालयों के द्वारा, शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा, बल्कि प्रदेश की जनता की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये अभी कुछ क्षण पहले जो कार्यक्रम सम्पन्न यहाँ पर हुआ है वो किया गया। इसके अतिरिक्त हम लोग तिरंगा रूट मार्च कहिए उसे, आज सायंकाल उसका भी आयोजन किया जाएगा, तथा 17 तारीख तक नियमित रूप से इन कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक पुलिसकर्मी के घर पर तिरंगा ध्वज लहराया गया है जो 17 तारीख तक निरंतर लहराता रहेगा और हमारे राष्ट्र की शान को, हमारे देशभक्ति को लोगों के हृदय में प्रज्वलित करता रहेगा। कप्तान साहब, लखनऊ ग्रामीण में बहुत सारे अपराधी सक्रिय हैं, उन अपराधियों को क्या सख्त संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया संस्थान के माध्यम से? देखिए, हम अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में नियमित रूप से चेकिंग करते हैं, उसके अतिरिक्त जिनका पिछला रिकॉर्ड है उन पर निगरानी करते हैं। इस प्रकार जो कोई अपराध कहीं पर प्रकाश में आता है उस पर त्वरित रिएक्शन करके अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जैसा अभी पूरे जनपद की उपलब्धियों के संबंध में एक विस्तृत वार्ता की गई थी, उसमें इस जनपद के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की गई है वो सब उल्लेख उनका किया गया था, उनका एक संक्षिप्त नोट आपको दिया जा सकता है। तो वो हमारी सारी कार्यविधि किसी एक दिन विशेष के लिए नहीं, क्योंकि पुलिस
यदि किसी एक विशेष को अपनी कार्यविधि के लिए चुनेगी तो अन्य दिवस में जो अपराध आपराधिक तत्व है, जो अराजक तत्व है, वो पब्लिक की सुरक्षा को, उनकी उनकी संपत्ति की सुरक्षा को पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोग की प्रक्रिया, हम लोग का कर्म निरंतर जारी रहता है और जब लोग सोते हैं तब भी पुलिस सक्रिय रहती है, मानसिक स्तर पे भी, शारीरिक रूप से। ये हमारे देश के प्रति अपनी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और अपनी जनता के प्रति अपनत्व की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके कारण ही हम ये सब कर पाते हैं।